अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप गाइस, दिस इज अनमाज साहब। आपके बीच में काफ़ी डिसकंटिन्यू थे, लेकिन अब कोशिश है कि हम कंटिन्यू आपके बीच में बने रहेंगे चैनल पे। गाइस, मोटिवेशनल का ये दौर मैं कहूँगा, काफ़ी ट्रेंड है आजकल वीडियोस सुनने का, मोटिवेशनल वीडियोस सुनने का। मोटिवेशनल इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है एज़ पर साइकोलॉजी। मैं हर पॉइंट को बड़ा साइकोलॉजिकल सोचता हूँ। मोटिवेशनल इम्पोर्टेंट नहीं होता है गाइस, एक्सक्यूशन की है। आप एक्सक्यूट कैसे करते हैं? इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेवर फोकस सो मेनी थिंग्स, डोंट फोकस सो मेनी थिंग्स। आप एक सिंगल टास्क पे, एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल हैबिट पे फोकस करें, एक चेंजेस लाने की कोशिश करें पहले। दैट अफेक्ट्स मैनी थिंग्स। एक चेंजेस लाएं आप, काफ़ी चेंजेस आएंगे। एक साथ कई चीज़ों को चेंज ना करें। मान लिया आप अर्ली राइजर नहीं हैं, तो पहले ये कोशिश करें कि आप अर्ली राइजर बने। देखिए कितनी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, फिर कितनी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है मल्टीटास्किंग को हटाकर या मल्टी फोकस्ड को छोड़कर जो है आप एक सिंगल चेंज लाएं अपने हैबिट से रिलेटेड, खासकर पर्सनालिटी से रिलेटेड। जो भी आपकी अपनी डिमेरिट्स है, जो भी फ्लॉज हैं, तो उससे काफ़ी चेंजेस आएंगे। और एक साथ कई चेंजेस न करने की कोशिश ना करें, अक्सर फेलियर होता है। तो गाइज, होप करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मोटिवेशनल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर हैबिट्स पे वर्क करना शुरू करें, एग्जीक्यूट करें, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं। डोंट फोकस सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम गाइज। थैंक यू, फी अमानिल्लाह, जजाकल्लाह खैर।